दोस्तों त्यागी जी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो YouTube ने फिर से कुछ नए अपडेट जारी कर दिए हैं और इस बार जो YouTube ने अपडेट दिए हैं वो बहुत शॉकिंग अपडेट है। तो उन्हीं अपडेट के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों YouTube का जो सबसे पहले वाला अपडेट है वो है कोरोना वायरस को लेकर के। तो जो लोग कोरोना वायरस पे वीडियो बना रहे हैं YouTube ने उनको अलर्ट किया है। ठीक है, YouTube ने कहा है कि कोई भी अगर कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनाएगा तो गारंटी नहीं है कि उसकी वीडियो मोनेटाइज की जाएगी, बल्कि ज्यादा चांसेस है कि उसकी वीडियो का जो डीमोनेटाइज है वो किया जाएगा, यानी उसकी वीडियो मोनेटाइज नहीं की जाएगी, ज्यादा चांसेस इसके हैं। दूसरी बात, YouTube ने कहा है कि कोरोना वायरस के ऊपर जो भी वीडियो बनाए वो बिल्कुल सही सही जानकारी अपनी वीडियो में दे, यानी अपनी तरफ से कोई भी बढ़ा चढ़ा करके आपको बात कोरोना वायरस के बारे में नहीं बतानी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए अपने थंबनेल पे कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो बिल्कुल रियलिटी नहीं होती, यानी वो बातें बिल्कुल झूठी होती है और वो अपने थंबनेल पे उनको लिख देते हैं वीडियो वायरल करने के उद्देश्य से। तो YouTube ने कहा है कि अगर कोई भी कोरोना वायरस के ऊपर झूठी वीडियो बनाएगा तो उसको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकती है। तो अगर आप कोरोना वायरस के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हैं तो पहली बात पक्का नहीं है कि आपकी कोरोना वायरस वाली वीडियो का मोनेटाइज ऑन हो या ना हो। दूसरी बात, अगर वीडियो बनाए तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ वीडियो बनाए, कोई भी उसमें झूठी बात शामिल ना करें। यह था पहला अपडेट। अब चलिए आपको बताते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। तो दोस्तों YouTube का दूसरा अपडेट है रिपीट कंटेंट को लेकर के। अब ये रिपीट कंटेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो अपने चैनल पे एक तरीके का कंटेंट ही पकड़ लेते हैं, यानी किसी यूट्यूबर ने किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाई, उसकी वो वीडियो चल गई, तो वो क्या करता है, वो आने वाली 10-20 वीडियो बिल्कुल सेम टॉपिक पे डाल देता है। तो उसको बोलते हैं आपका रिपीट कंटेंट, या आप उसको बोल सकते हैं रीयूज कंटेंट। ठीक है, तो यूट्यूब ने कहा है कि अगर कोई अपने चैनल पे रिपीट कंटेंट का यूज करेगा या रीयूज कंटेंट का यूज करेगा तो उसका जो एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो अगर आप रिपीट कंटेंट का या रीयूज कंटेंट का यूज करते हैं तो अब आप उसका यूज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों तीसरा जो अपडेट है वो है नोटिफिकेशन बेल को लेकर। अब तक क्या होता था, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते थे तो उसका हमें यह पता नहीं चल पाता था कि इसकी नोटिफिकेशन कितने लोगों के पास गई है। अब YouTube एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहे, आपको चैनल में एक ऑप्शन मिलेगा और जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लास्ट वाली अपलोड वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन कितने लोगों को गई और कितने लोगों ने उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके आपकी वीडियो को देखा। तो दोस्तों यही थे YouTube के अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।